ऑडियो डिवाइस के साथ शायद प्रॉब्लम था। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, बीच में इंटरप्शंस बहुत हो गए। हाँ जी, हाँ जी, तो हम एक ऐसा मैक्रो बना रहे हैं जो कि हमारे पास कुछ सेल्स फिगर्स हैं जिसमें से 50 से अबव वैल्यूज को कलर करेगा, ठीक है जी। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, बट हमें एक मैक्रो चाहिए इसके लिए। तो मैंने जो पहला कीवर्ड क्या किया, पहले तो सिलेक्शन के लिए बनाया, ठीक है जी। इसने क्या किया, मैंने जिसमें बताया कि एंड कीवर्ड जो है आपको, एंड कीवर्ड के थ्रू आपके किस तरह से नेविगेशन करेंगे, जैसे एंड एक्सेल अप, तो जैसे हम कंट्रोल करके अप एरो दबाते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है लास्ट वैल्यू पे, जिस तरह से कंट्रोल करके किसी से भी जगह से यहाँ से आते हैं ना, लेफ्ट राइट जाते हैं, तो कंट्रोल वाला की वाले ऑपरेशंस जो हैं वो अपने एंड से होते हैं। और मैंने एक इमेजिनरी नंबर ले लिया, कोई भी ऐसे ही एलियास ले लिया कि B65000 सेल से अप में जाएगा, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे सिलेक्ट कराया था तो ये सिलेक्शन कीवर्ड के अंदर आ चुका था हमारा, तो सिलेक्शन कीवर्ड के अंदर आ चुका था। फिर मैंने यहाँ पे B2 ले लिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो इन दोनों, ये जब कीवर्ड चले दोनों, तो इन दोनों ने डेटा सिलेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है जी। अब जब डेटा सिलेक्ट कर दिया तो अब बाकी का काम था मुझे कि एक एक सेल को प्रोसेस कराना था कि वैल्यू 50 से अबव है कि नहीं, ठीक है जी। तो उसके लिए पहले एक एक सेल को प्रोसेस कराना जरूरी, जिसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया डिम आर एस रेंज। तो आर क्या है, एक रेंज का टाइप है, यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड कर रखी है वैल्यूज को, जिसमें अब क्या कराना है, फॉर ईच का जो ये स्टेटमेंट है ये इसी तरह से लिखा जाता है। इसमें क्या है कि आर बीच में आता है, अब ये क्या करेगा, सिलेक्शन की एक एक सेल को आर के अंदर ट्रांसफर करेगा। और ये नेक्स्ट आर क्या करेगा, यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे, यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा हमारा, पहली सेल जैसे सिलेक्शन से पहली सेल उठी 24, तो उसमें ये काम हुआ जो हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट आर जाएगा, फिर ये दोबारा से शुरू होगा और फिर यहाँ से आएगा। तो इस तरह से ये राउंड राउंड इसी में लूप चला जाएगा। तो ये एक टाइप का लूप है, फॉर ईच लूप, जिससे हम सिलेक्शन को बारी बारी से आर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए काम क्या करवाना है, हर एक सेल पे, हम एक सेल पे तो आ गए, अब इसकी जो वैल्यू कैच हो रही है वो आर के अंदर हो रही है, यानी कि जैसे हम रेंज डॉट वैल्यू करते थे ना, कोई भी रेंज हो गई तो रेंज A2 करके डॉट वैल्यू करते थे, तो आर जो है उसी का टाइप है। अब हम किसी भी इस वैल्यू को जो एक्सेस करेंगे वो आर डॉट वैल्यू के जरिए करेंगे, ठीक है जी। इसकी सेल को भी अगर हम कैप्चर करेंगे तो आर डॉट के जरिए करेंगे, चाहे कलर वगैरह जो भी। तो सबसे पहले बात हो रही है कि हमें एक कंडीशन लगानी है, इफ का फॉर्मूला जैसे लगाते हैं, तो इफ की बात करते हैं, इफ कैसे चलेगा, इफ लगाएंगे। अब मेरे को वैल्यू चेक करनी है कि 50 से ऊपर है कि नहीं, तो आर डॉट वैल्यू, इफ आर डॉट वैल्यू लॉजिकल फॉर्मूला ग्रेटर देन 50, इस तरह से कंडीशन लगाई जाएगी हमारी, लॉजिकल जो लॉजिकल टेस्ट में वैल्यू देते हैं फॉर्मूले में, वो यहाँ पे आपके आएगा। आर डॉट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, इसमें एक चीज लगती है देन, ठीक है जी। यहाँ कंडीशन हो गई आपकी पूरी, लॉजिकल टेस्ट वाला जो पार्ट है वो आपने दे दिया है। अब इसमें इस इफ की कैपिंग करना जरूरी है, एंड इफ, ठीक है जी। अब तो क्या करना है उसे ये बताना पड़ेगा हमें, कि अगर आर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो क्या करना पड़ेगा, आर के थ्रू ही वो सेल भी हमारी ऑपरेट हो रही है, तो आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर, अब यहां से दे सकते हैं, ठीक है जी, इसको येलो या रेड कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें येलो रेड डाल, इंटीरियर क्या करते हैं सर? इंटीरियर एक तरह की जो सेल के अंदर की फॉर्मेटिंग होती है ना, जैसे डिफाइन करते हैं। इसके अंदर आपकी सारी चीजें होती है, जैसे कलर हो गया, कलर इंडेक्स हो गया, ग्रेडियंट हो गया, पैटर्न हो गया, पैटर्न कलर हो गया, मतलब जो सेल के अंदर जो कलर फॉर्मेटिंग होती है वो सारी इंटीरियर कंट्रोल करता है, ठीक है जी। तो आर डॉट इंटीरियर करके हम कलर पे आ गए, और कलर में आके हमने क्या दिया, हम रेड ग्रीन डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसके लिए क्या कीवर्ड है, वीबी रेड या वीबी येलो। तो कुछ अगर ये हाँ आपने
इस तरह से देते हैं हम इसमें कलर्स। अगर आपको चेक करने हैं, आप नेट पे कलर कॉम्बिनेशन फॉर बीबीए डाल सकते हैं, उसमें आपके आ जाएंगे कि कौन कौन से कलर हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और नहीं तो किसी पे कलर करके उसका कलर इंडेक्स जान लीजिए, कलर के जो तरीके होते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन संदीप जी। हाँ जी, ये जो आपने बीबी येलो लिखा है, अगर सपोज अगर हम बीबी नहीं लिखते, डायरेक्ट येलो रेड ग्रीन करके अगर देते हैं, तो ये क्या डिफाइन नहीं करेगा कलर को? हाँ जी, अब देखिए उसका रीजन बताता हूँ क्या असल में हो क्या रहा है। जैसे कि हर एक चीज हम इसमें वेरिएबल पे कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट वैल्यू तो कहीं दे नहीं रहे, ठीक है जी। राइट, तो इसी तरह से ये भी एक कीवर्ड है, कलर के लिए इन्होंने कीवर्ड बनाया है। अगर मैं येलो वैसे लिख दूं तो इसको बीबीए को पता ही नहीं होगा कि येलो क्या चीज है, ठीक है जी। स्पेसिफिकली कलर के लिए जो वेरिएबल यूज किया है इन्होंने, जो प्री डिफाइंड है, वो बीबी करके कर दिया, बीबी करके प्रीफिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। तो बीबी रेड, बीबी येलो, बीबी ग्रीन, बीबी ब्लू, इस तरह से कलर आपके हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है पर कुछ है इस तरह से। बाकी सबके लिए आप कलर इंडेक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम कह रहे थे कि अगर वैल्यू 50 से ऊपर है तो उसका सेल का कलर येलो में करते हैं, ठीक है जी। अब इसको वन बाय वन रन करके देखते हैं, ठीक है जी, कि अब ये काम कैसे करेगा। अब मैंने स्टार्ट करने के लिए क्या दबाया, F8, ठीक है जी। F8 से क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है इसका, तो आप देख पाएंगे कि एक एक लाइन का एग्जीक्यूशन कैसा है और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहला अब कोड पे जा रहा है, F8 बारी बारी दबा रहा हूं मैं। तो पहले इसने क्या किया, 6500 करके सिलेक्ट किया लास्ट सेल, फिर अगले ने क्या किया, ये अब B2 तक सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी, इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। अब ये अंदर जा रहा है, अब अगर हम R पे कर्जर ले जाएंगे ना तो इसकी वैल्यू बताएगा, अभी अभी नथिंग है क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब जैसे ही F8 करूंगा R एग्जीक्यूट हो गया, अब R पे मैं कर्जर लेके जाऊंगा तो R इक्वल टू 24 दिखा रहा है, यानी कि पहली वैल्यू पिक कर चुका है। अब 24 इज ग्रेटर देन 50 नहीं है ना, आगे बढ़ूंगा तो ये डायरेक्ट एंड इफ पे चला जाएगा, मतलब उसको स्किप कर देगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो अंदर नहीं जाएगा। इस तरह से करके अब ये दोबारा आया यहाँ पे, दोबारा में R की वैल्यू क्या चेंज हो चुकी है, 42। तो अब ये धीरे धीरे करके इस तरह से आगे आगे करता जाएगा और इस पे घूमेगा जब तक पूरी सेल हो नहीं जाती। जैसे अभी इसने 56 को कलर किया, तो ये R 56 इस सेल पे, अब नेक्स्ट वाली भी कलर करेगा। अब देखिए यहाँ पे आया, कंडीशन चेक हुई, अब कंडीशन का इवेल्युएशन देखना हो आपने, जैसे 70 है, 50 है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, सिलेक्ट कर लिया मैंने तो ट्रू दिखा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को देख भी सकते हैं। अपडेट करके आगे बढ़ रहा हूँ, कलर हो गया, ये तीसरा भी कलर हो गया, ठीक है जी। अब ये 22, 24, 26 करके लास्ट में कहाँ चला जाएगा, देखते हैं कौन सी वैल्यू एक्सेस कर रहा था, 26 लास्ट थी। अब जब F8 दबाऊंगा तो एंड सब पे चला जाएगा, तो ये प्रोग्राम हो गया एंड, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ प्रोग्राम, इसमें कोई डाउट? नो सर, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम में समझा रहा हूँ। सर मेरे को डाउट है। हाँ जी सर, इसको हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए सर, इसको कहाँ से R डीम ले लिया, डीम R एज अ रेंज, उसको कहाँ से मालूम, उसको कहाँ से मालूम कि ये डी वाला ये रेंज है वही पूरा पिक करना है, इसमें तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। अब देखिए, हाँ अब मैं सही सवाल किया, आर जो पिक कर रहा है वो तो बी की वैल्यू ही पिक कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। अब देखिए मैंने इसके लिए यहाँ पे कुछ करवाया था, डेटा मैंने सिलेक्ट करवाया यहाँ तक, ठीक है जी। अब सिलेक्ट को मैंने किस में कॉल किया, सिलेक्शन में, मैंने बताया था कि सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन कीवर्ड के अंदर चला जाता है। अब सिलेक्शन में ये लूप के थ्रू क्या किया, एक एक करके वैल्यू आर को पास किए, समझ आया सर? नहीं सर, लूपिंग में ये फोर इच, इच क्या करता है, फोर इच को अगर हम सिंपल सर, ये समझ गया, ये इच आप बोल रहे हो, फोर इच आर इन सिलेक्शन, हाँ
हाँ वही बता रहा हूँ, फॉर ईच जो है ना एक लूप पैटर्न है। देखिए जितना भी नीला है ना इसका पैटर्न ही ऐसा है, इसका मतलब है कि आपके ग्रुप में से एक एलिमेंट एक एक करके एलिमेंट अलग करना है। ठीक है जी, आपने एक लिस्ट जो है अपने सबऑर्डिनेट को पकड़ाई और उससे कहा कि तुम एक एक करके वैल्यू बताते जाओ मैं काम करता जा रहा हूं, तो वो ये इस तरह है कि ये पूरी लिस्ट है और आर एक एक वैल्यू कैच करता जा रहा है और फॉर ईच एक एक वैल्यू के लिए ये काम करवाता जा रहा है। ठीक है जी, जैसे सरकारी दफ्तर होते हैं। सर मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, आपको यहाँ पे तो मालूम है। हाँ नहीं सर मेरी क्या बात, सर आपको मालूम है कि इसका स्टार्टिंग B2 से हो रहा है, अगर आपको मालूम नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है तो उसकी जगह यहाँ पे क्या करोगे? अब देखिए स्टार्टिंग तो आपको देखिए रेंज जो आपने किया है कि सिलेक्शन B2 सिलेक्ट। हाँ अब इसके लिए एक बात बता दो, देखिए कोई भी फॉर्मेट होगा ना जिसमें आप काम करेंगे तो स्टार्टिंग आपको ऑलरेडी मालूम होगी, अदरवाइज उसका कोई ना कोई फॉर्मूला मालूम होगा। जैसे कि आपको पता है कि जहां सेल्स लिखा होगा उसके नीचे वाली सेल से चालू होना है। ठीक है जी, ओके और या फिर आपका डेटा है मान लीजिए वहां कुछ लिखा नहीं है पर आपको पता है कि डेटा का फ्लो जो है वो जैसे कंट्रोल शिफ्ट से हम सिलेक्ट करते हैं ना ये है, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है जी, वही एंड एक्सेल अप उसमें एक बार और लग जाएगा पर ऊपर सेल्स नहीं हुआ तो, क्योंकि सेल्स हेडिंग होगी तो अपना डिस्टर्ब करेगा हमें भी पता है वो चीज है ना, तो कोई ऐसा क्राइटेरिया रखना होगा जिससे वो फाइंड कर सके। अभी मैं आपको बहुत छोटे छोटे क्राइटेरिया बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक जो प्रॉब्लम आने वाली है वो लास्ट वैल्यूज की आने वाली है, ऊपर वाली वैल्यू की कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि अगर आप एक सही फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बेसिकली इट इज ऑल अबाउट डेटा एंड डेटा हेड्स हेडिंग्स। ठीक है जी, अगर किसी सिस्टम से निकल रही है मैक्रो हम कब बनाएंगे, आप जो ERP से रिपोर्ट निकाल रहे हो ठीक है जी उनका फॉर्मेट फिक्स है, पहले जो चीज जहां है वो वहीं रहेगी, स्टार्टिंग उनकी सेम जगह से है ना, सेम तरह के डेटा के लिए वहीं पे यूज होता है, सेम काम बार 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 करना। ठीक है ठीक है जी, अब क्या चीज एक्टिव सेल की जरूरत नहीं ना, एक्टिव सेल हाँ अगर आप कहते हैं मैं इसको ना ऐसा कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ साइलेंट, यहाँ आपसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये नहीं चलेगा, कमेंट तो पता है ना आपको क्या काम करता है। यस हाँ, अब देखिए जैसा कि मैंने कहा सिलेक्शन जो है सिलेक्शन के पार्ट लेता है। ठीक है जी, मैं इसका कलर ठीक कर देता हूँ एक बार। अब इस केस में जो मैंने डायनेमिक सिलेक्शन कराया था, आप चाहें तो अपना स्क्रीन सिलेक्शन दे दिया आपने और उसके बाद इस पर वर्क करा लो। ठीक है जी, अब ये डायरेक्ट मैं प्ले कर रहा हूँ ये काम करेगा। ठीक है जी, अब जरूरी नहीं है इसी पे करे। अब इस केस में क्या हो गया, मैंने फ्री कर दिया, इसमें मैंने कोई भी डेटा ले लिया यहां पर, मैंने कोई भी डेटा ले लिया, अब मेरे लिए तो ये सिलेक्शन है तो इसको मैं जब प्ले करूंगा ना तो मैंने क्योंकि यहां पे लिमिट नहीं किया है कि 20 है, अब ये कहीं भी काम कर सकता है। ठीक है जी, तो सिलेक्शन ये करता है, स्क्रीन पे जो आपने सिलेक्ट किया है उसको कैच करता है। फॉर ईच के जरिए क्या किया मैंने, एक एक सेल को आउट करवाया। अब फॉर ईच का पहले इफ को मैं कंप्लीट कर देता हूं क्योंकि इफ कंप्लीट नहीं है, इफ का फॉर्मूला अगर लगता है तो कैसे लगता है हमारा, देखिए अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इफ लगाया फिर यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया, कोई भी कंडीशन दी कि आपका B2 ग्रेटर देन 50 है कि नहीं, देन उसमें वैल्यू इफ ट्रू में देते हैं कि यहाँ पे अपना येलो कर दे। हेलो संदीप सर। हाँ जी सर, सर आ गया स्क्रीन आ गया। हाँ तो मैं ऐसा कह रहा था कि फॉर्मूला हम इस तरह से लगाते हैं और दूसरे को मैं कहता हूँ ग्रीन कहते हैं। ठीक है जी, तो अभी जो हमने पार्ट किया है वो खाली किया है कि यहां तक का। ठीक है जी, इफ के थ्रू ये कंडीशन कैसे कराएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो येलो कैसे करना है मैंने बता दिया, ठीक है जी। ये स्टार्ट हुआ यहाँ लॉजिकल टेस्ट, देन आपको लगाना पड़ता है, और इसके बाद जो भी वैल्यू चलेगी वो ट्रू में चलेगी, जैसे जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ चलेगी। अब हमें ये सेकंड वाला पार्ट देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कीवर्ड डालते हैं else, अब मैं दूसरा काम यहाँ करवा देता हूँ, अगर ये नहीं है तो क्या करवा दे r डॉट। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर चेंज कराता हूँ, अभी तक हमने इंटीरियर किया, अब फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू vb ग्रीन, ओके। अब क्या होगा, फॉन्ट का कलर चेंज होगा, ठीक है। इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि हम काम कर सके, ठीक है जी। अब देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी, वो फॉल्स वाले पार्ट में चल गया, ठीक है जी। इसमें क्या करेगा, इसका फ्लो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्लो आपको, आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपको फ्लो समझ में आ गया तो पूरा वीबीए आपके समझ में आ जाएगा, प्रोग्रामिंग सिर्फ उसके फ्लो पे चलती है। देखिए एक एक करके मैं चलाता हूँ, F8 यहां से सिलेक्शन कर लिया इसने, सिलेक्शन ने R को वैल्यू दी, R ने वैल्यू चेक करी, अब यहाँ पे क्या निकला इनका, इनका जो है 24 जो है R, केवल कोडिंग चला रहे हैं। हाँ जी, दोबारा से कनेक्शन करें इसको, F8 के थ्रू जो आप कर रहे हैं ना। हाँ जी, उसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, F8 दबाया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पहले क्या करेगा हमारा लास्ट सेल सिलेक्ट किया उसने, फिर बी टू और सिलेक्शन इकट्ठे किया हुआ है, अब ये पूरी की पूरी सेल सिलेक्ट, पूरा पूरा डाटा सिलेक्ट करेगा, देन सिलेक्शन R में देना वैल्यू शुरू करेगा एक एक करके। तो अब इसने चेक किया कंडीशन में कि R वैल्यू 50 से बड़ी है कि नहीं, अगर बड़ी है तो ये चलाएगा, नहीं है तो ये चलाएगा। अब देखो, अब नहीं है, बड़ी नहीं है, R की वैल्यू 24 है, और जो इसका कैलकुलेशन आया है वो फॉल्स में आया है। अब सिलेक्ट करके इनको देखे, वो फॉल्स में आया है, तो ये एल्स में चला जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देखेंगे पहली वैल्यू ग्रीन बदल चुकी है, ठीक है जी। देन एफ एड करेंगे इसी तरह से, ये एल्स एल्स में चल रहा है, देखिए अब ये तीन वैल्यू एल्स में चला, अब जो जाएगा ये ट्रू वाले पार्ट में चला गया, 56 है ट्रू वाले पार्ट में। तो इस तरह से ये वर्क करता है, देखते जा रहे हैं एक एक करके वैल्यू चेंज होती है, ठीक है जी। फॉर इच क्लियर है सर, और इफ क्लियर है, यस सर, ठीक है जी। अब फॉर इच के थ्रू आप और काफी सारे काम कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है जी। फॉर इच के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि आप एक्सेल में मोस्टली नहीं कर सकते। तो एक और मैक्रो लेते हैं, और वो देखिए आपका किस तरह से छोटा सा काम, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ डेटा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको मैंने अपर केस और लोअर केस में चेंज करना, ठीक है जी। एक्सेल में तो ये पॉसिबल नहीं है, आप तो फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बटन सा या मैक्रो सा बना दूं जो ये काम करते हैं, ठीक है जी। तो सब अपर करके, यूपी करके एक मैं फॉर्मूला बनाता हूँ जो कि डेटा को अपर केस में चेंज करेगा, और इसको हम करेंगे सिलेक्शन और फॉर ईच के साथ। सिलेक्शन और फॉर ईच जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इसको कैसे करेंगे, डिम आर एस रेंज। जब भी आप ये फॉर ईच यूज कर रहे हैं तो ये रेंज को जरूर ले लें, क्योंकि ये सिलेक्शन को पास करके इसी तरह से काम करते हैं। अब हमने क्या किया, फॉर ईच, बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ सिलेक्शन पे काम करेगा, तो मैं दूंगा उसको सिलेक्शन। देखिए ये जो अभी टाइप कर रहा हूं मैं अभी तक, ये इसका सिर्फ पैटर्न है, ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं कि R में ही वैल्यू आती है, तो मैंने क्या कि R डॉट वैल्यू की वैल्यू वो हो जाए जो अपर केस में, यू केस का एक फॉर्मूला होता है,
आर डॉट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है जी। बहुत छोटी सी चीज है। अब देखिए जब इसमें प्रोग्राम का फ्लो क्या कहता है, जब ये इधर आता है ना तो सबसे पहले ये इक्वल टू के इस साइड वाली वैल्यू पे एग्जीक्यूट करेगा, यहां से शुरुआत नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इस साइड वाली वैल्यू में इसने क्या किया, यू केस में आर डॉट वैल्यू में को डाल दिया, यानी कि जो वैल्यू उसमें पहले से है वो यू केस में जाएगी। और यू केस का फॉर्मूला क्या रिटर्न करता है, उस जो भी वैल्यू होती है टेक्स्ट की उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो अपर केस में कन्वर्टेड वैल्यू वापस कहां गई, आर डॉट वैल्यू में, यानी पुरानी वैल्यू हटके नई वैल्यू आ गई अपर केस में, ठीक है जी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यूपी करके मैंने बनाया है, मैक्रो अटैच करना दिखाता हूँ। कोई भी शेप ले लें, क्योंकि बटन वटन मुझे पुराने पसंद नहीं, कोई भी शेप ले लें, तो अपर केस, ठीक है जी। डिजाइन विजाइन जो मर्जी अच्छा सा दे दें बटन के लिए, इसमें बड़े अच्छे बटन बन जाते हैं। राइट क्लिक करें किसी भी शेप पे, असाइन मैक्रो का ऑप्शन आता है आपके पास, असाइन मैक्रो में आपके पास मैक्रो आ जाते हैं, आप शॉर्टकट पे भी दे सकते हैं, वैसे इस पे दे दीजिए। तो ये मैक्रो आ गया, मैंने ओके कर दिया। अब क्या हो गया, ये मेरा मैक्रो के लिए बटन हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिलेक्शन करना है और ये बटन दबाना है। तो आप देखेंगे जो डेटा है वो अपर केस में चेंज हो गया, ठीक है जी। प्रोग्राम क्लियर है कैसे हुआ, ओके सर प्रोग्राम क्लियर है ना। इस प्रोग्राम में कुछ नहीं है ना सर, बिना बटन के हो सकता है, हाँ बिना बटन के आप शॉर्टकट पे सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, नहीं सर इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम, हाँ ऐसे नहीं सर, मैं जैसे सेल पे टाइप हो जाए उस केस में हो सकता है, जैसे एक एक सेल में टाइप करते जाओ ऐसे ऐसे वो कन्वर्ट हो जाए खुद ब खुद। खुद ब खुद कन्वर्ट होने के लिए हो तो सकता है, बट वो अटक गया तो आपको छुड़ाना भारी, मतलब पता क्या, एक्सेल में हमें इतनी पावर दे रखी है बीबीए में, हम करवा तो सब कुछ चलते हैं, पर जब आप एक इवेंट को छेड़ते हैं उसको इवेंट कहते हैं, जब भी आप कुछ लिखते हैं, जब आप शीट बदलते हैं या जब ऐसा कुछ भी करते हैं ना, तो उन चीजों का इवेंट कहते हैं। तो उस केस में तुरंत एक मैक्रो कॉल होता है जो भी आप दें, इवेंट मैक्रो आप यहाँ शीट में देके दे सकते हैं, उसका अलग से चैप्टर आएगा जिसमें ये सारी चीजें क्लियर की जाएगी। पर उनको कैप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इवेंट जब हुआ तो वो मैक्रो चला तो और सेलों पर भी तो काम हुआ, और फिर वहां से जो इवेंट जनरेट हुआ अगर उसी ने वापिस फिर वही मैक्रो कॉल कर लिया, तो मैक्रो आपस में ही कॉल होते होते घूमते चले जाएंगे, ठीक है जी, एक्सेल हैंग हो जाता है। तो इस तरह के मैक्रो को कैप करना बड़ा जरूरी है, कंडीशन बहुत लगती है उसमें, आप इफ एल्स की कम से कम 36 कंडीशन लगाएंगे उसको कैप करने के लिए। अब देखिए इसका देखिए अपर केस, अपर केस, हाँ जी बताइए, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, नहीं नहीं जो सर अपर केस का लगाया, मान हमारा डी कॉलम में भी है कोई, हमारा जैसे टैक्स दे रखा है, हाँ। तो उसको भी लेने का ये ऑटोमेटिकली, हाँ देखिए मैंने सिलेक्शन कीवर्ड बताया ना, बार बार बता रहा हूँ, सिलेक्शन कीवर्ड स्क्रीन के सिलेक्शन को गेट करता है, तो कहीं भी आप लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, हाँ। जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है ठीक है सर, तो जहाँ भी आप सिलेक्शन देंगे वो काम करेगा, ठीक है जी, ओके सर। अब देखिए अपर का बता दिया मैं, इसके लिए तो यू केस है, लोअर केस के लिए एल केस है, ओके प्रॉपर के लिए करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपर केस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हाँ अपर केस। अब मैंने वहां पे यू की जगह एल केस डाल दिया है, तो ये क्लिक किया एल केस है, आप दो बटन दबा सकते हैं, दो मैक्रो बना सकते हैं, अलग अलग असाइन कर दीजिए, खेलिए उनके साथ जैसे मर्जी, ठीक। और ये बहुत छोटा सा के लिए सर, प्रॉपर के लिए सर इन्होंने बीबीए वालों ने दिया नहीं कुछ, अपर लोअर के लिए ऐसा है। अच्छा संदीप जी मुझे एक क्वेश्चन था, एक डाउट था, हाँ जी सर डाउट क्या है, मैं आपसे इसमें थोड़ा एक छोटा सा पूछना चाहूंगा, एक्चुअली मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ, हाँ जो डेली सेल्स रिपोर्ट होता है, हाँ जी। आपने कुछ ऐसे ही बताया कि यहाँ पर नेम और सेल्स, हाँ सेल्स में अभी जैसे 24, 42, 42, 20, 36 ऐसे आ रहा है, हाँ जी मैं चाहता हूँ सबसे ग्रेटेस्ट वाला जो है ग्रेटेस्ट से लोअर नंबर पे है,
ग्रेटेस्ट से लोअर, सपोज मेरा अभी हाँ ग्रेटेस्ट से लोअर केस में है, तो इज इट पॉसिबल कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं? जैसे अभी आपने ये संदीप है, संदीप ने 24 किया है और सबसे ज्यादा वाली रैंक सुजीत 56 ले रहा है, तो हम चाहते हैं 56 से 56 सबसे ऊपर आ जाए और 56 से सबसे लोअर वाले केस में 20 है, तो 20 सबसे नीचे है। मतलब जो है वो 75 है, राइट, तो मिला के आप कहना चाहते हैं सॉर्ट हो जाए ना? हाँ जी, शॉर्टिंग राइट में। हाँ तो पता है क्या VBA में एक मजेदार बात क्या है, इसको हार्ड कोडिंग में बहुत ले जाइए। जितना एक्सेल के फीचर्स को आप ध्यान में रख के इसको यूज करेंगे ना, उतना आपके लिए VBA बहुत आसान बन जाएगा। और इसके लिए आपको मैं खुद ही बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। रिकॉर्डिंग सर ने बताई होगी कैसे करते हैं, ठीक है जी? रिकॉर्डिंग बताई होगी मैक्रो की? हाँ सर मालूम। हाँ तो इसको सिलेक्ट करके रिकॉर्ड करके वो काम करके देखिए और उसकी कोडिंग को समझिए क्या होता है। बहुत छोटा हो जाएगा, लॉजिक में अगर आप बनाने चलेंगे हो तो वो भी जाएगा, पर वो कम से कम आपका एक पेज का प्रोग्राम बनेगा सॉर्टिंग का, उसका कोई फायदा है नहीं। ओके, है ना? तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो काम आपके आप नॉर्मल एक्सेल से करते हैं ना, एडवांस एक्सेल के मेथड से, उसको मैक्रो में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे चलेंगे। अदरवाइज ये VBA जो है जरा से प्रोग्राम में हैंग हो जाते हैं, उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि सारी कैपेबिलिटी एक्सेल के प्री डिफाइंड ऑप्शंस में ही है, ठीक है जी? पाइवट टेबल जैसे समराइज करने के लिए, अब वैसे लूप चलाएंगे बहुत टाइम लेगा उतनी कैलकुलेशन में, पाइवट टेबल यूज कीजिए, ठीक है जी? ओके, तो आज का जो मैंने बताया आपको सिलेक्शन और फॉरीच का बताया, ठीक है जी? तो सिलेक्शन और फॉरीच के बारे में आप और भी जो भी आप सीखे ना इसमें, अब देखिए मैंने आपको नई चीज दी है कलर का, अब कलर इंडेक्स का आप लोग देखिए उसमें कैसे होता है, ठीक है जी? इस चीज को सर्चिंग पे डालिए, क्योंकि आप लोग गूगल प्रोग्रामर्स होने चाहिए, जो सीनियर प्रोग्राम जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स होते हैं ना वो गूगल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो खुद की मेहनत नहीं करते। आपको क्या समझ में आनी चाहिए चीज, बनी बनाई सारी पहले से ही अवेलेबल है गूगल पे, ठीक है जी? जो बनाना है वो आपको पहले से मिल जाएगा, पर प्रोग्रामिंग को समझ लीजिए फर्स्ट, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के इनके थ्रू आप ट्राई कीजिए, ठीक है? जो सिलेक्शन के थ्रू हो सकते हैं सिलेक्ट कर करके, इफ कंडीशन का मैंने बताया, इफ कंडीशन को अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन से आप कीजिए, इंसेंटिव निकालने का, जैसे आप फॉर्मूला इफ का जितना फॉर्मूला लगाते हैं ना जितनी अलग अलग तरह से, आप अब उसके थ्रू रिजल्ट जनरेट करवाना सीखिए, ठीक है जी? समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक प्रॉब्लम एक्चुअली होता ये है, जैसे आपने कलर के लिए किया, हाँ, तो कलर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, हाँ जी, हाँ। उस कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेरा ये कलर का, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया येलो हो गया, हाँ। लेकिन जो बहुत सारे मिक्स कलर बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं पकड़ पाता हूँ, बट हाँ। उसका कलर से कोड से पकड़ पाता हूँ। हाँ समझ लिया आप क्या कह रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, ठीक है जी, ये ऐसा कलर है जिसको नहीं पता किसी को क्या कहते हैं, ठीक है जी? अब यहाँ पे जब हम जा रहे कलर्स में, फिर दिखाता हूँ कि मैं कैसे गया, यहाँ से जाता हूँ और मोर कलर्स में जाता हूँ, तो सेल सिलेक्टेड है मुझे यहाँ पे क्या, जो आपका कलर का ऑप्शन है ना उसके अंदर जाएंगे मोर कलर्स में सबसे नीचे, तो इसमें आपको RGB मिला। हेलो हेलो, RGB वैल्यूज मिल गई आपको, देखा कैसे आया? स्क्रीन एक्चुअली रुका हुआ आ रहा है, अटका हुआ है। फुल मेल खुल रहा है। ये कलर्स वाला खुला है, पैलेट खुला हुआ है, दिख रहा है इसको? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। तो ये कलर पैलेट में क्या है ना कि ये जो RGB वैल्यूज है ना, आप यहाँ से इसको पिक कर लीजिए और कलर जो आप दे सकते हैं यहाँ पे VB ग्रीन के थ्रू आप इसमें डायरेक्टली दे सकते हैं RGB करके, जैसे कि 250, 192, 144, ठीक है जी? तो मैं अब एक का कलर चेंज करता हूँ, RGB 250, 192, 144, ठीक है जी? RGB का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर ये तीन वैल्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है जी? अब इसको प्ले कर देता हूँ, देख रहे हैं कलर आ गया।
ठीक है जी। तो कलर, अब कलर जो है ना इनको लेकर आप सर्चिंग शुरू कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है जी। बाकी मैं रिकॉर्डिंग इसकी सारी अपलोड कर दूंगा, बाकी कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है जी, नए टॉपिक के साथ। परसों की भी ओके सर, मैं सुजीत सर की रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं सुजीत सर से पूछूंगा क्योंकि वो